आज मैं आप लोगों के लिए पनीर का भरवा पराठे की रेसिपी लेके आई हूँ। जी हाँ, ये पनीर का पराठा बनाने की सारी बारीकियाँ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। परफेक्ट स्टफिंग के साथ ये पराठा तैयार होगा। स्टफिंग पूरे पराठे में चारों तरफ फैली हुई बनी होगी। पराठे गुब्बारे की तरह फूले होंगे क्योंकि इसका डो बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आज हम बनाएंगे भरवा पनीर के पराठे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पराठों के लिए सबसे पहले हम डो तैयार करते हैं। एक पराठ में हम 2 कप गेहूं का आटा लेंगे और इसमें थोड़ा सा नमक डाल के इसको मिला देंगे। नमक डालने से हमारे पराठे फीके नहीं बनेंगे। और हमें यहाँ पे सेमी सॉफ्ट डो तैयार करना है, तो हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए डो को अच्छे से तैयार कर लेंगे। टाइट डो मत तैयार करिएगा। अगर बहुत ज़्यादा टाइट डो होगा तो आपके पराठे फट जाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा तो भी पराठे आपके फट सकते हैं। तो हमें बिल्कुल सेमी सॉफ्ट डो तैयार करना, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा सॉफ्ट। तो यहाँ पे हमारा डो तैयार हो गया है। टिप नंबर 1 है कि जब भी हम स्टफिंग के लिए पराठे तैयार करते हैं तो उसे आटा लगाने के तुरंत बाद हम पराठे नहीं बनाने लगते हैं। उसको 10 से 15 मिनट के लिए हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हम आटे को जब तक के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ते हैं 20 मिनट के लिए, तब तक हम स्टफिंग तैयार करते हैं। 250 ग्राम हमने घर का बना हुआ फ्रेश पनीर लिया है। हो सके तो पनीर के पराठे बनाने के लिए हमेशा सॉफ्ट और फ्रेश पनीर का ही यूज़ करें। पनीर को हाथों से अच्छे से मैश कर दीजिए। अगर आपके पास ग्रेटर है तो आप ग्रेटर की हेल्प से पनीर को ग्रेट भी कर सकते हैं। पनीर को बनाने की रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो हो सके तो पनीर घर पे ही बनाए ताज़ा। यहाँ पे हमने एक छोटी प्याज ली है जिसको कि बहुत महीन महीन चॉप किया है। प्याज मोटी मोटी काट के बिल्कुल भी मत डालिएगा, नहीं तो आपके पनीर के स्टफिंग वाले पराठे फट सकते हैं। इसी के साथ 2 हरी मिर्च जिसको कि मैंने महीन महीन काट के डाल दिया है। अदरक 1/2 इंच का टुकड़ा, उसको हम ग्रेट करके डाल रहे हैं। अदरक ज़रूर डालिएगा। इसी के साथ अब हम इसमें धनिया डाल रहे हैं। तो मेरे पास धनिया दरदरी पाउडर है, धनिया का दरदरा पाउडर है। अगर आपके पास धनिया का पाउडर दरदरा नहीं है तो आप खड़ी धनिया को क्रश करके डालिए, बहुत अमेजिंग टेस्ट आता है। इसी के साथ काली मिर्च पाउडर 1/4 टेबल स्पून ज़रूर डालिएगा, बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। भुना जीरा पाउडर 1/2 चम्मच डाल रही हूँ। जीरा पाउडर नहीं है तो खड़ा जीरा भी आप डाल सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए। मैं 1/2 चम्मच से थोड़ा कम डाल रही हूँ क्योंकि ये मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी है। अनारदाना 1/4 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर दीजिए, लेकिन अगर है तो ज़रूर डालिए, बहुत टेस्टी बनेंगे आपके पराठे। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, नमक आप जैसा खाते हो उस हिसाब से डालिए। इसी के साथ कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। और अगर आपके पास हरी धनिया के पत्ते हैं तो ज़रूर डालिएगा थोड़ा से, मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूँ। और अब हम इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पे हमारी अमेजिंग फ्लेवर वाली पनीर की स्टफिंग तैयार हो जाएगी। मिक्स बहुत अच्छे से करिएगा, पनीर के अंदर सारे मसालों का फ्लेवर आना चाहिए। अगर आप ऐसे कायदे से मिक्स नहीं करेंगे तो पनीर आपका फीका फीका लगेगा जब आप पराठे खाएंगे। तो इसकी मिक्सिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमारी ये पनीर की लाजवाब स्टफिंग बनके तैयार हो चुकी है। तो चलिए फटाफट पराठे बनाते हैं। तो आटे को रखे हुए लगभग 15 से 20 मिनट हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा हम इसको और चिकना कर लेंगे हाथों से मसल के। इसके बाद हम थोड़ी नॉर्मल से बड़ी लोई काटेंगे। जब भी भरवा पराठे बनाते हैं तो उसकी जो लोई होती है, पेड़ा होता है, वो थोड़ा बड़ा ही बनाते हैं। और इसके ऊपर सूखे आटे से डस्ट करके इसको खूब बढ़िया से चिकना गोल गोल नचा देंगे। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा कि मैं स्टफिंग के लिए इसको किस तरह से गोल कटोरी की शेप में बना रही हूँ। तो ये देखिए, अंगूठों की हेल्प से हम इसको उंगलियों से दबाते हुए गोल गोल नचाते हुए इस तरह से हम कटोरी के शेप में इसको बना लेते हैं। जब इस तरह से ये हो जाता है तो ये देखिए शेप इस तरह से हो जाता है, तो इसमें एक कैविटी बन जाती है जिसमें कि हम स्टफिंग को अच्छे से भर लेते हैं। स्टफिंग आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा जैसी रखना चाहें रखें। इसके बाद अंगूठे से दबाते हुए चारों तरफ से एजेस को हम ऐसे दबा दबा के पास में लाते हुए इसको अच्छे से सील कर देंगे और ये हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। ऊपर से हम इसको दबा के बंद कर देंगे और हल्के हाथों से इसको दोनों तरफ से दबा देंगे और हल्का सा परथन लगा देंगे। तो ये मेथड पता है मुझे किसने बताया? मुझे मेरी माँ ने नहीं सिखाया, मुझे मेरी सासू माँ ने सिखाया। जी हाँ,
अब हल्के हल्के हाथों से हम इसको बेलेंगे और यहाँ पे हमारा 3 से 4 बार हम बस इसको बेलेंगे, हमारे पराठे बिल के तैयार हो गए हैं। हल्के हाथों से बेलिएगा, दबा के नहीं बेलिएगा। एक्स्ट्रा आटा है उसे हटा देंगे इस तरह से और हमारा पराठा बिल के तैयार हो चुका है। तो चलिए इसको सेकते हैं। मीडियम आँच पर हमारा तवा गर्म है, इसमें हम पराठा रख देंगे और इसको अच्छे से एक तरफ से सिकने देंगे। जब ये अच्छे से सिक जाएगा नीचे से तभी हम इसको पलटेंगे। तो दोनों तरफ से हम भूरे भूरे चिकत्ते आने तक इसको पहले सेकेंगे, उसके बाद ही हम घी लगाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, तभी आपके पराठे गुब्बारे की तरह फूलेंगे। जब आप घी लगाइए तो गैस की फ्लेम को मीडियम आँच पे कर दीजिएगा। मीडियम आँच पे घी लगाते ही आपके पराठे तवे पे फूलने शुरू हो जाएंगे। तवे पे जब आपका पराठा फूल जाता है तो इसका मतलब कि आपकी स्टफिंग बहुत अच्छे से पराठों में चारों तरफ फैली हुई है, और दूसरी बात कि आपके पराठे अंदर से बिल्कुल अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। तो बस इन्हीं छोटी छोटी टिप्स का आपको ध्यान रखना है। मेन टिप ये है कि आटे का जो डो है पराठों के लिए वो आपको सेमी सॉफ्ट लगाना है। स्टफिंग आपको ध्यान से भरनी है, कटोरी नुमा लोई बनाने के बाद अच्छे से स्टफिंग को भरिए और उसको चारों तरफ से इकट्ठा करके सील करिए। और तवे पे जब आप पराठे को सेके तो पहले पराठों को अच्छे से दोनों तरफ से सेक लीजिए, तब घी लगाइए और मीडियम आंच पे पराठों को सेकिए, तो आपके पराठे फूले हुए बनेंगे। और ये देखिए, एक पराठा मैं आपको अंदर से काट के दिखा रही हूँ, उसकी स्टफिंग चारों तरफ बराबर से फैली हुई है, बिल्कुल परफेक्ट पराठे बने हैं स्टफिंग वाले पनीर के। तो देर किस बात की है, जल्दी से इस सैटरडे संडे को आप भी पनीर के भरवा पराठे बनाइए और अपने परिवार वालों को खिलाइए और खूब सारी तारीफ़ें बटोरिए। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का वीडियो ये आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल आशूस कुकिंग मैजिक को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए। घर का बना हुआ खाना खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरा वीडियो देखते रहिए। इसी तरह की नई और लाजवाब रेसिपी के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।